एक बेटी अपने बाप से अगर मिलना चाहे तो जज साहब उसको मना कर देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई इज मरियम नवाज बैक इन, किस वजह से है, और अगर कस्टडी में है भी तो क्या उन्होंने कोई फ्यूजिटिव है, कोई भागी हुई है, मफरूर है या टेररिस्ट है? यानी अगर वो 1 घंटे के लिए अपने वालिद साहब से अस्पताल में मिलने चली जाएंगी तो इसमें फॉरगेट ह्यूमैनिटी, फॉरगेट इंसानियत, वो तो खैर आप में है ही नहीं, लेकिन अगर वो जा मिलने चली जाएंगी तो इसमें कौन सा रिस्क है कि वो भाग जाएंगी या वो बाहर जाके कोई खुदा ना खास्ता खुदकुश बन जाएंगी? बाप को देखने के लिए जा रही हैं, वालिद से मिलने के लिए जा रही हैं, 1 घंटे के लिए देखने के लिए जा रही हैं। दिस इज नॉट ओनली पेटी विंडिक्टिवनेस, एक्चुअली दिस इज ग्रेट फॉर देयर पॉलिटिक्स। आपने जब बेगम कुलसुम नवाज बहुत अलील थी और कैंसर की पेशेंट थी, जिस किस्म की नाजेबा बातें की थी, और उसके बाद हमने देखा कि वो कितनी तकलीफ से, ऑब्वियसली एनी कैंसर पेशेंट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन देन और वो जब चल बसी तब भी इनको शर्म नहीं आई, उनको शर्मिंदगी नहीं थी। ये तो हमारा तहजीब है, हर कल्चर में ऐसे होता है, लेकिन पर्टिकुलरली पाकिस्तान में आप किसी की शादी में जाए ना जाए किसी की फौतकी में जरूर जाते हैं, तो आप दुश्मनों की भी, जिसको हम कहते हैं, गमखादी करते हैं।